अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये वाली जो पिक्चर आपके सामने है, चलें इसका काम शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हम जो है इसकी ये इसकी ड्राइंग है, इसको हम देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका टॉप व्यू है। तो हम काम शुरू करेंगे अभी बिल्कुल इसी को लेते हुए। चलें जी, क्रियो स्टार्ट कर लें और नाम वगैरह दे दें और स्केचिंग शुरू करते हैं। फ्रंट स्केच, फ्रंट प्लेन से उसके बाद स्केच व्यू में आके हम एक अदद रेक्टेंगल लगाएंगे यहाँ से। इसको रीसाइज कर देंगे। रीसाइज करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये है 6 है या 5 है। चलें 5x8 जो है इसका एक रेक्टेंगल साइज बना लेते हैं। ये 5 और इसको कर दिया हमने 8। बस इसको ओके करना है और यहाँ से एक्सट्रूड की कमांड लेनी है। और नीचे हम देख लेते हैं इसमें इसकी क्या वैल्यू आ रही है। जी 1 है। 1 हम इसको इसके एक्सट्रूड वैल्यू दे देंगे। उसके बाद अब हम एक प्लेन बनाएंगे। इस प्लेन के थ्रू एक प्लेन बना लेंगे, या आप चाहें तो डायरेक्टली इस सरफेस को सिलेक्ट कर लें तो ये प्लेन यहाँ से ही स्टार्ट रहेगा। अब इस साइड प्लेन पे हमने मज़ीद स्केचिंग करनी है। स्केच व्यू में जाके इसको आप फ्लिप कर दें यहाँ से जाके थोड़ी, ताकि डायरेक्शन इसकी सीधी हो जाए। और यहाँ से हम इसको राइट कर लेते हैं। राइट में ठीक नहीं रहेगा। चलें जी, बॉटम भी ठीक है। अब आप रेफरेंसेस ले लीजिए। हमने कुछ रेफरेंसेस ले लिए हैं। स्केच व्यू में दोबारा आइए। अब हम यहाँ पर ऐसे ही एक रेक्टेंगल लगाएंगे। सेंटर वाला तो कॉर्नर वाला कर लीजिए। अच्छा, वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से। अब जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये है 6, ठीक है, और 6x8। तो यहाँ से ये 1 हम माइनस कर देंगे तो ऊपर रह जाएगा 5। ये हम 5 कर लेंगे, ठीक हो गया। इसमें अब कुछ स्केचिंग करनी है अंदर वाली, यानी कि ये वाला स्केच अब इसके अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेफरेंस ले लेंगे 3 का, और 3 के बाद ये 4 पे एक लाइन लगा लेंगे। चलें जी, इसको हम करते हैं ऑफसेट। ये माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी, एरो नीचे जा रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से अब आप रेफरेंस के लिए एक लाइन और लगा लें। बस लाइन लगा लीजिए और इसको कर दीजिएगा 2। और इसी तरह से एक रेफरेंस लाइन यहाँ से भी ले लें, इक्वली हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने एक होल लगाना है, इसको 2 कर देंगे हम। और सेम इसी तरह से एक सर्किल हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये लगाने के बाद हम इनको आपस में जोड़ देंगे। ये जब जुड़ जाएंगे तो हमने इनको डिलीट करना है और इनको ट्रिम कर देना है, ये जो इसके कॉर्नर आ रहे हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दें ऊपर वाले से। और इस पूरे को अब हमने करना है ऑफसेट। और यहाँ से हम लूप ले लेंगे और इसको हम माइनस की वैल्यू देंगे 2। अच्छा जी, 2 ज़्यादा हो गया है तो हम इसको 1 कर लेंगे। -1 कर देंगे जी, ठीक हो गया। और ये वाला आप डिलीट कर दें। बाकी ये कॉर्नर वाली कमांड लेके
इसके कॉर्नर इसके साथ मिला दें। बाकी ये जो कॉर्नर्स हैं आप इनको डिलीट कर दें। अच्छा, एक और काम करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी ये भी रिमूव करने पड़ेंगे, ये दोबारा से हमें बनाना होगा। फिल वक्त हम यहाँ तक इसको इस शेप में बना के इसको ओके कर देंगे और उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। अच्छा जी, एक्सट्रूड कितना करना है ये चेक कर लेते हैं, ये 2 है, ठीक है, इसको हमने 2 करना है, 2 हो गया, ठीक है। अब मजीद स्केच इसके बिल्कुल सरफेस पे करनी है हमने, इस पे स्केच करनी है हमने। स्केच व्यू में आएंगे, रेफरेंसेस ले लीजिए, यहाँ से क्लोज, और अगर ये प्रोजेक्ट से हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम ठीक है, हम इसको सर्किल लगा लेते हैं। और फिर हम लाइन के थ्रू ठीक है, नीचे वाली सरफेस चाहिए हमें, ये हम माइनस कर देंगे, हो गया। और एक और रेफरेंस बॉटम वाला और ये साइड, अब ये हम प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। इसका एज थोड़ा ख़राब हो गया, दोबारा लगा लेते हैं। वैसे ही ट्रिमिंग कर लें और इस हिस्से को आप डिलीट कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करने, मगर हमने डायरेक्शन दूसरी देनी है और यहाँ से इसको 1 करना है। ये हमारा स्केच अब कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे जनाब इस वाली, इसकी ये जो बेस वाली सरफेस है इस पर हमें स्केच करना है। अच्छा, अब वैल्यू हम देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही है, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 और बीच में 4 का डिस्टेंस रहेगा। रेफरेंस ले लेंगे ताकि काम करने में हमें आसानी हो जाए, रेफरेंस इसीलिए लिए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम जाएंगे 2 और फिर इसको सेट कर लेते हैं पहले। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से इस रेफरेंस से इसको आप 2 कर लें और सेम राइट पे भी। और अब हम सर्किल लगाएंगे इसके थ्रू, वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो 2 का डायमीटर है। वैल्यू इसकी कहाँ चली गई, ये है, ठीक है। बाकी अननेसेसरी लाइनें हम रिमूव कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब आप एक्सट्रूड कीजिए, डायरेक्शन चेंज करें। रिमूव मटेरियल और यहां से हो गया ओके। अच्छा, अब आखिरी काम रह गया राउंड, ये राउंड हमने लेने हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। इनकी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये रेडियस 2 का है तो यहाँ से हम इसको 2 कर देंगे। और एग्जैक्टली इसको भी करना था मगर इसने इसको पिकअप नहीं किया है, इसको एडिट कर लेंगे दोबारा से।
ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट अब कंप्लीट हो गया। चलें जी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कलर वगैरह कर सकते हैं।